के साथ विवेक पांडे शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रियों की बैठक बुलाई है। आज शाम 4:30 बजे मंत्रियों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ये बैठक लेंगे। उपचुनाव की तैयारियां, स्वच्छता पखवाड़ा पर चर्चा होगी। सदस्यता अभियान को लेकर भी योगी चर्चा, और सीएम प्रभारी मंत्रियों से जिलों की रिपोर्ट भी ले सकते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक में तमाम जो प्रमुख विषय हैं जिस पर मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं, तो आपको बता दें अलग अलग विषय हैं जिस पर मुख्यमंत्री आज चर्चा करेंगे मंत्रियों से। उपचुनाव की तैयारी है, स्वच्छता पखवाड़ा है, सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा करेंगे, जिलों के जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे भी फीडबैक लेंगे और ये पूछेंगे, विकास को लेकर सवाल होंगे, सरकार की कार्य योजनाओं को लेकर सवाल होंगे, किस प्रकार से वो फलीभूत हो रही हैं। तो शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ये महत्वपूर्ण बैठक लेंगे, जिसमें उपचुनाव की तैयारी, स्वच्छता पखवाड़ा पर चर्चा और सदस्यता अभियान को लेकर भी मुख्यमंत्री तमाम मंत्रियों से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रभारी मंत्रियों से चर्चा हो रही होगी और उनसे फीडबैक लेंगे सरकार की कार्य योजनाओं को लेकर। शाम 4:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये बैठक शुरू होगी मुख्यमंत्री आवास पर। शाम 4:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ इस महत्वपूर्ण बैठक को लेंगे। आज शाम 4:30 बजे मंत्रियों की ये बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक लेंगे। उपचुनाव की तैयारी, स्वच्छता पखवाड़ा पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक आज शाम 4:30 बजे होने जा रही है। तो मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ये बैठक लेंगे। निकिता हमारे साथ लाइव जुड़ रही है इस खबर पर। निकिता, तीन प्रमुख विषय जो अभी हमारे सामने आए हैं, सदस्यता अभियान पर चर्चा करेंगे, उपचुनाव पर चर्चा होगी, जिले के प्रभारी मंत्रियों से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों संग बैठक करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आज लगभग 4:30 बजे सभी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक में जितनी भी डेवलपमेंट की यानी विकास की योजनाएं हैं, उसके साथ ही आने वाले बाय इलेक्शंस की जो प्रिपरेशंस हैं, तैयारियां हैं, उसको लेकर के ये बैठक करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण बैठक, और साथ ही साथ स्वच्छता पखवाड़ा जैसे जो आयोजन है उनकी कार्य योजनाओं पर भी मंथन होना है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर मैं बात करूं तो उपचुनाव के लिए जिस जो 10 विधानसभा में मंत्री बनाए गए हैं वहां से जो रिपोर्ट है वो भी लेंगे कि आखिर वहां पर क्या माहौल चल रहा है, कौन सा कैंडिडेट एक कॉम्पिटेटिव फेस हो सकता है, कितना फाइनेंशियल दे सकता है। साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर जो रणनीति है उस पर भी मंथन होना है, तो बेहद महत्वपूर्ण। और एक अहम जानकारी ये भी बता दूं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप प्लान यानी कि सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें भी किस तरीके से उत्तर प्रदेश फिलहाल नंबर 1 है। अभी तक की अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो 50 लाख उत्तर प्रदेश में जो मेंबर्स है वो बन गए हैं, तो उनकी भी रिपोर्ट ली जाएगी कि आगे किस तरीके से मेंबर्स बनाने हैं, कैसे कैसे फेसेस रहेंगे, उनको क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, उनसे क्या बातचीत होगी। तो ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर लगभग 4:30 बजे मंत्रियों को बुला रहे हैं। इसमें कैबिनेट से लेकर के राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के जितने भी मंत्री हैं वो आवास पर मौजूद होंगे, और ये बैठक अपने आप में एक महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उपचुनाव का समय अब नजदीक आ रहा है और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर मंथन होना है, और उसके बाद जो कैंडिडेट है उसको भी, जो उनके जो नाम है उनको भी फाइनलाइज किए जाने हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि उपचुनाव को लेकर भी मंथन होगा, और हम लगातार देख भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से उपचुनाव को लेकर कई दिनों से उनका चाहे कार्य करने का तरीका हो या जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेना हो, विकास योजनाएं हो, वो भी उन क्षेत्रों के लिए बन रही है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए भी ये उपचुनाव बहुत एक स्वयं उनके लिए भी एक कहीं ना कहीं परीक्षा हो सकती है, क्योंकि खुद वो लीड कर रहे हैं और खुद कैबिनेट के जो सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं।
निश्चित तौर पर लीड इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पूरा जिम्मा इस बार उन्होंने अपने कंधों पर ले रखा है, और साफ तौर पर उन दो सीटों का जिसमें अंबेडकर नगर की कटहरी सीट है और साथ ही साथ अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है। ऐसे में उन्होंने स्पेशल टीम भी बना दी है जिसमें टीम 5 है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे फूलपुर का एरिया केशव प्रसाद मौर्य के पास है, ऐसे ही जो 10 सीटें हैं उन्होंने दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल के नाम कर दिए हैं कि इन दो दो सीटों को हमने बंटवारा कर दिया है और वहां पर जाके हकीकत जमीनी रिपोर्ट जाइए देखिए। तो लगातार ये सब लोग जा रहे हैं अपने क्षेत्र में, रिपोर्ट दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और मुख्यमंत्री की अगर मैं बात करूं तो जिन दो सीटों पर उन्होंने खुद अपने कंधों पर कमान संभालने की बात की, हालांकि 10 सीटों की ही उनकी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन दो खास सीटें हैं। और अगर हम देख लें तो अयोध्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 5 बार जा चुके हैं, यानी कि कितनी एक बड़ी बात है कि जिस सीट पर वो खुद जिम्मा संभाल रहे हैं वहां पर वो 5 बार भ्रमण कर चुके हैं विकास योजनाओं के बारे में। अगर मैं बात करूं, बिल्कुल आपने सही कहा निकिता, एक बार फिर से हम आपका रुख कर रहे हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन सी सीट पर किस तरह से उपचुनाव होने हैं, जिनको लेकर बीजेपी सरकार अलर्ट मोड पर है, उस सीटों की जानकारी आपको देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये पूरा फोकस है। आपको बता दें, सांसद बनने पर अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर सीट को छोड़ा, ये सीट खाली हुई। सांसद अनूप वाल्मीकि ने खैर सीट छोड़ी, जिसकी वजह से वो सीट खाली हुई। सांसद बनने पर लालजी वर्मा ने कटहरी सीट छोड़ी, इसके बाद वो सीट खाली हुई। और सांसद बनने पर जियाउर रहमान बर्क ने कुंदर की सीट छोड़ी थी। सांसद बनने पर अतुल गर्ग ने गाजियाबाद सदर सीट छोड़ी थी। और सांसद बनने पर चंदन चौहान ने मीरापुर सीट छोड़ी थी। ये वो सीटें हैं जो सांसद बनने के बाद इन सांसदों के छोड़ने से खाली हुई। फूलपुर सीट जो कि सांसद बनने पर प्रवीण पटेल ने छोड़ी। सांसद बनने पर विनोद कुमार बिंद ने मझवा सीट छोड़ी। इरफान सोलंकी को 7 साल की जेल के बाद सीसामऊ सीट खाली हुई। और अखिलेश यादव ने करहल सीट छोड़ी थी। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अटल आवासीय विद्यालय